रियल एस्टेट से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। निजी शोबे के लिए स्टेट बैंक की नई सहूलत। स्टेट बैंक ने रोजगार स्कीम के तहत कारोबारी इदारों को ईद उल अज़हा से कबल तनख्वाहें देने के लिए फाइनेंसिंग के हुसूल की सहूलत फराहम कर दी। बहरिया टाउन में कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो भी 6 लाख रुपए में, क्या ये मुमकिन है? नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और डिटेल्स जानें। बैंक दौलत पाकिस्तान ने अपनी रोजगार स्कीम के तहत ईद उल अज़हा से कबल जुलाई के महीने की उजरतें तनख्वाहें तकसीम करने की इजाज़त दे दी। कबले अज़ा बैंकों के लिए ज़रूरी था कि कारोबारी इदारों के तनख्वाहों के निज़ाम औक़ात के मुताबिक तनख्वाहें तकसीम करें, जो आम तौर पर महीने का आखिर होता है। अब कारोबारी इदारे जुलाई के महीने की उजरतें और तनख्वाहें अदा करने की फाइनेंसिंग हासिल कर सकते हैं या उजरतें अदा करने के बाद इसके मसावी रकम वापस ले सकते हैं। स्टेट बैंक ने कारोबारी इदारों के लिए ये गुंजाइश भी फराहम की है कि वो एक से ज़्यादा बैंकों से फाइनेंसिंग हासिल कर सकते हैं। कारोबारी इदारे क्रेडिट की हदूद या दीगर वजूहात से किसी एक बैंक से फाइनेंसिंग हासिल करने में मुश्किलात का सामना कर रहे थे, ताहम कारोबारी इदारे किसी एक मखसूस महीने के लिए एक से ज़्यादा बैंकों से फाइनेंसिंग हासिल नहीं कर सकते। रोजगार स्कीम के तहत कारोबारी इदारों को रायती रोजगार स्कीम जिसके तहत कारोबारी इदारों को रायती फाइनेंसिंग फराहम की जाती है। अप्रैल 2020 में मुलाजमीन को बरतरफी से बचाने और बेरोजगारी की रोकथाम के लिए मुतारफ कराई गई थी। इब्तिदा में ये 3 माह अप्रैल तक जून 2020 के लिए थी, लेकिन बाद में उसे बढ़ाकर आखिर सितंबर 2020 तक तौसी दे दी गई। स्कीम के तहत 17 जुलाई 2020 तक बैंकों ने 2,141 कारोबारी इदारों के 1.25 मिलियन मुलाजमीन की उजरतों और तनख्वाहों के लिए 128.6 अरब रुपए की मंजूरी दी है।